नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अपने कंफ्यूजन को दूर करो, कितने किलोमीटर की दूरी तक ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता। इस क्वेश्चन में बहुत सारे अकाउंटेंट जो है वो कंफ्यूज हैं कि सर 20 किलोमीटर तक ई वे बिल नहीं बनाना, कुछ लोग बोलते हैं 50 किलोमीटर तक ई वे बिल नहीं बनाना, कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे पास में दुकान है कि हमें ई वे बिल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन को आज की वीडियो के माध्यम से मैं दूर करना चाहूंगा कि सर कितने किलोमीटर की दूरी तक ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ई वे बिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ई वे बिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने किलोमीटर की दूरी तक आपको ई वे बिल बनाना है और इतने किलोमीटर की दूरी तक ई वे बिल आपको नहीं बनाना है। मतलब ई वे बिल तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे दूरी कुछ भी हो, चाहे दूरी 100 मीटर हो, चाहे दूरी आपके बगल में क्यों ना हो, तो भी आपको ई वे बिल को बनाना है। बट यहाँ पर कुछ छूट है आपके लिए जहां पर आपको ई वे बिल को नहीं बनाना है। नंबर पहली कंडीशन कि अगर आप अपने गुड्स को नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू जो है आप ट्रांसफर करते हो, अपने गुड्स को नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हो, या आप अपने हाथों के द्वारा ही किसी को माल दे के आ जाते हो, मतलब मैनुअल कार्ट के थ्रू आप माल देते हो, तो वहां पर आपको ई वे बिल बनाना ही नहीं है। वहां पे आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी दुकान से लेके आपकी प्रमाइसेस से लेके 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान और है, आपने गुड्स को सर उसको सेल आउट करा। अब अगर कोई सेल आउट आपने मान लो मोबाइल करा है, अब मोबाइल तो बंदा जाएगा हाथ से दिया, अब आपने 100 बोरी चीनी की सेल की है, मतलब 100 कट्टे या एक गाड़ी आपने माल सेल किया, तो वो तो आप हाथ से देके नहीं आ रहे। अगर वो भी आप अपने पीठ पे लोड करके, मतलब आपकी लेबर जो है वो लेबर के थ्रू अगर वो जाके वहां पे उसको अनलोड कर रही है, मतलब अपने कंधों पे रख रख के जा रही है मैनुअल कार्ट के थ्रू, तो वहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपने कोई व्हीकल मंगवाया है उसके थ्रू अगर आप माल बेच रहे हो, तो वहां पर आपको ई वे बिल बनाना है, चाहे दूरी क्यों ना 100 मीटर की दूरी पर भी अगर आपका दूसरा जो आपका कंसाइनी या बायर है अगर वो 100 मीटर की दूरी पर, तो भी आपको ई वे बिल बनाना है। तो कंफ्यूजन ये आता है कि सर 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर वाला चक्कर क्या है कि 20 किलोमीटर पे ई वे बिल नहीं बनाना है 50 किलोमीटर पे। तो आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों कंफ्यूजन को आपको दूर करता हूँ। 20 किलोमीटर तक आपको ई वे बिल तब नहीं बनाना होता है जब आपका गुड्स जो है वो वेइंग स्केल मशीन पे, मतलब वे ब्रिज पे जाके वेट के लिए जा रहा है। मान लो आपने गाड़ी को लोड करा और गाड़ी लोड होके अभी वेइंग मशीन के ऊपर जा रही है, वेइंग ब्रिज के ऊपर जा रही है, वहां से वो द्वारा वापस आपकी प्रमाइसिस पे आएगी, उसके बाद वो माल जाएगा। तो अगर आप वे ब्रिज तक अपने माल को भेज रहे हो और वो वे ब्रिज आपकी प्रमाइसिस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है या 20 किलोमीटर के अंदर अंदर की दूरी पर है, तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। आप डिलीवरी चालान के थ्रू अपने माल को वेइंग ब्रिज के ऊपर भेज सकते हो और वहां से वो वापस आपके पास आपकी प्रमाइसिस पे द्वारा आ जाएगा। बट जब वो माल आपके कंसाइनी के पास या बिल बायर के पास जाएगा, तब आपको ई वे बिल बनाना है, चाहे वो आपसे 5 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना हो, चाहे वो आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना, चाहे वो आपसे आधे किलोमीटर की दूरी पर भी क्यों ना हो, आपको ई वे बिल तो बनाना ही बनाना है। बट अगर माल आपका वे ब्रिज पे जा रहा है, वेइंग ब्रिज पे जा रहा है, वहां से वापस आपके पास आ रहा है, तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना। वहां पे छूट आपको 20 किलोमीटर तक की है, वो भी आपका सेम स्टेट में होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर में भी अगर आपके दो स्टेट आ जाते हैं बीच में, तो वहां पर भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है 50 किलोमीटर वाली कि सर हमको कब 50 किलोमीटर तक ई वे बिल नहीं बनाना होता, हमने ऐसा भी पढ़ा है। तो वो कंडीशन तब है जब मान लो आप गुड्स बेच रहे हो और आपका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट पर जा रहा है, आपका गुड्स क्या है ट्रांसपोर्ट पर जा रहा है, आपका ई वे बिल कब वैलिड होता है, आपका ई वे बिल वैलिड होता है जब आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भरे जाते हैं। पार्ट बी को जब तक आप फिलअप नहीं करते हो तब तक आपका ई वे बिल वैलिड नहीं होता है। तो मान लो आप अपने गुड्स को डिस्पैच कर रहे हो ट्रांसपोर्ट तक, कहां तक ट्रांसपोर्ट तक आप अपने गुड्स को भेज रहे हो ट्रांसपोर्टर तक, अगर वो ट्रांसपोर्टर आपके 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर है, तो आप पार्ट ए के साथ अपने गुड्स को भेज सकते हो। आप ई वे बिल बनाएंगे, ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को असाइन करेंगे और ट्रांसपोर्टर के असाइन जब आप करेंगे, मान लो आपका माल रिक्शे के थ्रू जा रहा है, मान लो आपका माल किसी गाड़ी के थ्रू भी जा रहा है, पर वो गाड़ी नंबर अगर आप मेंशन नहीं भी करना चाहते तो काम चल जाएगा अगर वो दूरी 50 किलोमीटर की है। बट यहाँ पर छूट बायर और सप्लायर के बीच नहीं है, यहाँ पर छूट केवल ट्रांसपोर्टर और कंसाइनर के बीच में है। अगर कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर की दूरी 50 किलोमीटर की है
तो वहां पर आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, पार्ट बी भरने की आपको जरूरत नहीं है। ईवे बिल तो आपको बनाना है, बट पार्ट बी में आप केवल ट्रांसपोर्टर को असाइन करके अपने गुड्स को बेच सकते हो। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर का मतलब होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को तुलवाने के लिए, वेट करवाने के लिए वेइंग ब्रिज के ऊपर भेज रहे हो, वे ब्रिज के ऊपर भेज रहे हो, तो वहां पर आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो दूरी 20 किलोमीटर में और विदिन स्टेट है। और 50 किलोमीटर का मतलब होता है जब आप अपने गुड्स को भेज रहे हो और वो गुड्स आप ट्रांसपोर्टर पे भेज रहे हो और कंसाइनर ट्रांसपोर्टर के बीच की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर की है, वहां पर आप पार्ट ए भर दोगे, पार्ट बी में आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दोगे और पार्ट बी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर कंसाइनर और कंसाइनी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर की है या 20 किलोमीटर की है या 5 किलोमीटर की है या 1 किलोमीटर की है, तो आपको ईवे बिल बनाना ही बनाना है। ईवे बिल हर कंडीशन में बनाना है अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और वो गुड्स है जिसपे ईवे बिल रिक्वायरमेंट है, मतलब एग्जेम्प्टेड जो आपकी लिस्ट है वो वाले गुड्स नहीं है, तो आपको ईवे बिल को बनाना ही बनाना है आपकी दूरी चाहे कुछ भी हो। ठीक है सरकार, सो यहाँ पे मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो और अगर आप किसी ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे हो जो कि आपको सिंगल कोर्स के अंदर आप अकाउंटेंट बन जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप हमारी वेबसाइट tallyhomeinstitute.in पे आ सकते हो और वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर ऑल कोर्सेज का। ऑल कोर्सेज में जाके सर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे केवल एक सिंगल कोर्स है जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस का है। आप रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर आएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स मिलेगा जिसकी फीस केवल 4490 है। यहाँ पर जो काम आप 10-15 साल में सीखोगे वो काम आप केवल 2-2.5 महीने में सीख जाओगे। इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, 5 लाइव क्लासेस फ्री मिलती हैं, फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलती है। आप पहले कंटेंट को पढ़ें, कंटेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, कंटेंट को आप पढ़ें, ये सारा कंटेंट आपके पास है और कंटेंट को पढ़ने के बाद आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कितनी क्लासेस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं वो भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, उनके मिनट्स भी यहाँ पे दिए कि कितने कितने ड्यूरेशन की वो क्लासेस है। तो आप अगर चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर आप एक अच्छे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड बैच है, लाइव बैच नहीं है। वीडियो को या कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपके पास 4 फ्री में वीडियो हैं जिनकी ड्यूरेशन 29 मिनट, 41 मिनट, 17 मिनट्स एंड 27 मिनट है। ये फ्री प्रीव्यू है, आप इन वीडियोस को देख सकते हो और सिलेबस को या कंटेंट को देख सकते हो, उसके बाद हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहे तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप का आपको ऑप्शन एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे मिलता है। एप्लीकेशन भी टेलियो इंस्टीट्यूट के नाम से है, उसको भी डाउनलोड करके आप वहाँ से भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर समाप्त कर दूँ, ईवे बिल अगर आपका 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू का है या आपके स्टेट में अगर 1,00,000 रुपये की आपको छूट है, जब आपकी वैल्यू उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको ईवे बिल बनाना है चाहे दूरी कुछ भी हो। जो आपको कंफ्यूजन है कि 20 किलोमीटर तक नहीं बनाना है, 50 किलोमीटर तक नहीं बनाना, वो कुछ और मैटर है। वो मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर वाला। पर अगर आप गुड्स को नॉन मोटराइज व्हीकल के थ्रू भेजते हो, मतलब रिक्शे के थ्रू भेज रहे हो, आप हाथों से गुड्स को देके भेज रहे हो, तो ना तो आपको पार्ट ए बनाने की जरूरत है ना आपको पार्ट बी बनाने की जरूरत है। आई होप आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।